स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। रायपुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर बीजेपी के नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कई विकास कार्यों की आज सौगात देने वाले हैं छत्तीसगढ़ को। 7,600 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी। तो देखिए पहुंच चुके हैं और रायपुर प्रधानमंत्री, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बीजेपी के नेताओं ने भी जोरदार स्वागत किया है। कई विकास कार्यों की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। 7,600 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। और इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि चुनावी अभियान का शंखनाद भी यहीं से करने वाले हैं, रायपुर से करने वाले हैं, जहां पर तमाम पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और ये देखिए, ये प्लेन से उतरते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं और कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। देखिए प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर अभिनंदन उन्होंने किया, अभिवादन किया उन्होंने, और उसके बाद फिर वो प्लेन से उतरते हुए दिखाई दिए। 10 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। चुनावी अभियान का शंखनाद भी करेंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि आज उनका दौरा है। हालांकि बहुत कम समय के लिए, मात्र 2 घंटे के लिए ही यहां पर रुकेंगे, लेकिन भले ही 2 घंटे के लिए रुकने वाले हों प्रधानमंत्री, लेकिन लोगों में उत्साह काफी ज्यादा है और कई कई घंटों से इंतजार यहां पर लोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। और पूरी तरह से जो सभा स्थल है वो तैयार है। अंकुश जुड़ गए हैं। अंकुश, रायपुर पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट पर पहुंचे प्रधानमंत्री। कितना समय और लगेगा जब वो पहुंच जाएंगे सभा स्थल पर? क्या अपडेट है अभी? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर एयरपोर्ट भी पहुंचे हैं। रायपुर एयरपोर्ट के बाद जो सभा स्थल यानी जो राजधानी रायपुर का साइंस कॉलेज मैदान है, वहां पर भी पहुंच चुके हैं। और अभी कुछ ही देर पहले देख सकते हैं हेलीकॉप्टर की तस्वीर बनाने की कोशिश करूंगा। यहां पर हेलीकॉप्टर जो है उसकी आवाज आ रही है और हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड यहीं पर आसपास जो है राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान लैंड करेगा। और हेलीकॉप्टर लैंड होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल में कार्यक्रम जो है वो वहां पर पहुंचेंगे और कार्यक्रम में जो है यहाँ पर वो सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर अगर देखा जाए तो खासा उत्साह है लोगों में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सभा स्थल की तस्वीरों की बात करें तो यहाँ पर भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो एक बड़ा सा मंच जो है वो सजाया गया है और बड़े से मंच में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा की तस्वीर की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस मंच पर मौजूद रहेंगे। और जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के अरुण साहब वो यहाँ इस मंच पे उपस्थित रहेंगे। छत्तीसगढ़ के जो डिप्टी सीएम है टीएस सिंहदेव वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और नेताओं का, कार्यकर्ताओं का आने का सिलसिला जो है यहाँ पर पहले से ही शुरू हो गया है। अब सभा स्थल की अगर अन्य तस्वीरों की बात करें तो यहाँ पर बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो पहुंचे हुए हैं, लेकिन प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से जनता जो है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है। और लोगों को बस इंतजार इस बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल पहुंचेंगे और संबोधित करेंगे। तो देश की जनता को संबोधित करने के साथ साथ छत्तीसगढ़ से आज करीब 10 अलग अलग परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। शुरुआत के साथ साथ यहां पर करीब 7,000 से ज्यादा करोड़ की सौगात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर देते हुए नजर आएंगे, जिसमें कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं जो सीधी कनेक्टिविटी को लेकर देखी जा रही थी, बेहतर कनेक्टिविटी जो है वो यहां पर बनती हुई दिखाई देगी। बड़ी तैयारी जो भारतीय जनता पार्टी की थी और बड़ी तैयारी के साथ साथ कहीं ना कहीं अब ये तैयारी जो है वो मुकम्मल होती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उत्साह तो हम आपके पीछे बिल्कुल देख ही रहे हैं लोगों का कि किस तरीके से यहाँ पर लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। और देखिए अंकुश, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की का एक औरा ही है कि जब भी पीएम कहीं पर भी जाते हैं तो लोगों में एक उत्साह रहता है, एक होड़ रहती है कि झलक पाने की, प्रधानमंत्री की एक झलक बस पाने को मिल जाए बस। और यही वजह रहती है कि लोग 4-4 घंटे से 5-5 घंटे से इंतजार करते रहते हैं, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, लेकिन लोगों का उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं होता है। आप बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके से यहाँ की तस्वीरों की अगर बात करें तो
सुबह से यानी करीब 7 बजे से यहाँ पर लोगों की एंट्री शुरू हो गई थी। सुबह 7 बजे से एंट्री होने के बाद लगातार सिलसिला चल रहा था। भीड़ जो है वो एक बार तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। सुबह से ही लोगों का आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था और अब लोगों का इंतजार जो है वो खत्म हो गया है। अगर अलग अन्य तस्वीरों की अगर बात करें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री को लोगों को सुनने की जो उत्सुकता रहती है वो उत्सुकता बस जो है लोग यहाँ पर आते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो आयोजन हुआ है उसमें बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौसम की अगर बात करें तो कल रात से लगातार बारिश हो रही थी। 7 से 8 बजे तक यानी आज सुबह के 8 बजे तक इतनी तेज बारिश थी कि माना जा रहा था कि बहुत कम लोग जो है सभा स्थल तक पहुंच पाएंगे। लेकिन 8 बजे के बाद से बरसात थोड़ी सी धीमी हुई। 9 बजे तक स्थिति ये हुई कि पानी पूरी तरीके से खुल गया था, बरसात थम गई थी। बादल जरूर छाए हुए हैं लेकिन उस एक घंटे के पीरियड में जो लाखों लोगों को जो बैठने की व्यवस्था बनाई गई है वो जगह जो है कहीं ना कहीं भरती हुई दिखाई दे रही। तो ये उत्साह बता रहा है कि लोग प्रधानमंत्री को कितनी उत्सुकता से सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, और खास बात ये भी रहेगी कि यहाँ पर सौगात भी देने वाले हैं, जैसे कि 10 परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया जाएगा। 7,600 करोड़ रुपए की सौगात भी देने वाले हैं छत्तीसगढ़ वासियों को। और ऐसे में चुनाव भी नजदीक हैं, तो इन सबको हम चुनाव से जोड़कर बिल्कुल देख सकते हैं। अंकुश की चुनाव आने वाले हैं और अब लगातार केंद्रीय मंत्रियों के दौरे छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं और खासतौर पर प्रधानमंत्री अगर यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो असर तो थोड़ा बहुत देखने को जरूर मिलेगा। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर असर जो है वो देखने को मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कार्यक्रम जो रायपुर में मुख्यालय में रखा गया है तो निश्चित तौर पर सीधे तौर पर चुनावी शंखनाद के तौर पर देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और विपक्ष में होने के नाते आने वाले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो बहुत कम समय बचा है जब चुनाव होगा। और चुनाव के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये इतनी बड़ी सभा के साथ साथ करीब 7,500 करोड़ रुपए की सौगात, ये बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से चुनावी शंखनाद आज से होने जा रहा है। और उसके पहले कई केंद्रीय मंत्रियों के दौरे हुए हैं। कल ही की बात है जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है रायपुर के दौरे के बाद वो वापस लौटे हैं। इसके बाद भी कई तरह के दौरे कार्यक्रम तय हो रहे हैं। तो साफ है कि चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रूप से बीजेपी आगे कदम बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भले ही सत्ता में अगर हम बात करें कांग्रेस हो, लेकिन भले ही कांग्रेस निशाना साध रही हो, लेकिन जनता की जो यहाँ पर जो भीड़ जो लोगों की भीड़ जुट रही है उससे तो ये साफ दिखाई दे रहा है अंकुश कि लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो अपार प्रेम है वो दिख रहा है, वो उमड़ रहा है। और लोग अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑरे को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं, उनमें दिलचस्पी ले रहे हैं। देखिए जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम कहीं भी हो, देश के किसी भी राज्य का कार्यक्रम हो, किसी भी राज्य के शहर में उनकी सभा रखी गई हो, लोगों की भीड़ जो है वो वहाँ इकट्ठी हो जाती है। और इकट्ठी होने के साथ साथ ये बताने के लिए काफी है कि लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का कितना बड़ा क्रेज है। इसलिए लोग सभा अटेंड करते हैं, सुनने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भाषण है उसको सुनने के लिए लोग बड़े दूर दूर से भी आते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो रायपुर में कार्यक्रम है लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कल रात से ही लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया था। तो एक और दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं की कोशिश भी रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया जाए। ज्यादा से ज्यादा लोग जब इकट्ठे होंगे तो एक नया माहौल बनता है। माहौल बताने के लिए काफी होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। बीजेपी की
इस कार्यक्रम में इतने लोग इकट्ठे हुए, तो एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश जो बीजेपी करती नजर आती है, वो माहौल कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाता है लास्ट में, और उसी तरीके की तस्वीरें राजधानी रायपुर में देखने को मिल रही है। दो घंटे पहले तक ये लग रहा था माहौल क्रिएट करने की जो कोशिश की जाती है, जो भीड़ जुटाने की जो कोशिश की जाती है। अभी मैं सुन रही थी, एक धुन भी आपके पीछे बजती हुई दिखाई दे रही है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक वहां पर बज रहा है, भगवान राम को लेकर, जय सिया राम, जो म्यूजिक वहां पर बज रहा है और लोग भी उस पर जमकर एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सब तरीके से यहाँ पर लोगों को जुटाने का, लोगों का ध्यान आकर्षण करने का, या फिर भगवान के राम पर जिस तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व का जो सहारा लिया जा रहा है, वो भी यहाँ पर बखूबी देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर कठोर कोशिश जो जैसी रहती है भारतीय जनता पार्टी की, उस कोशिश में कहीं ना कहीं भगवान श्री राम और संगीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से लोगों को जोड़ने की कोशिश होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी में एक्टर से बीजेपी नेता बने अनुज शर्मा, जो कलाकार है, जो अब बीजेपी के नेता होकर वो खुद छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार कहलाते हैं, छत्तीसगढ़ी फिल्म के वो हीरो हैं, खुद अपनी आवाज में गाना गाते हैं, खुद परफॉर्म करते हैं। उनका परफॉर्मेंस जो है वो शुरू हुआ, मैं यहाँ से तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, यहाँ पर अनुज शर्मा खुद यहाँ पर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, और भगवान राम और मंगल भवन हारी से जो कार्यक्रम कार्यक्रम में जो है लोग बड़े तादाद में यहाँ पर सुनने आए हैं। इस आयोजन स्थल के सभा स्थल के ठीक बाजू में ही एक लिए छोटा सा करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उस यहाँ पर वीडियो यहाँ से हम देख पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जो कार्यक्रम स्थल में पहुंचे हुए हैं, उनकी सभा स्थल में पहुंचने के बाद अब उनको अनुज शर्मा को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो शासकीय कार्यक्रम है वो शुरू हो गए हैं। शासकीय कार्यक्रम के शुरू होने के साथ साथ अब कहीं ना कहीं कोशिश होगी कि सीधे बहुत जल्द मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हुए नजर आएंगे। एक बार देख सकते हैं कि कितना ये हुजूम, ये भीड़, ये तादाद जो है ये बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या क्रेज है। लोग जो है उन्हें यहाँ पर सुनने आए हैं, देखने आए हैं, और ये भीड़ आप बड़ी तादाद में, चाहे वो किसी भी उम्र के लोग हों, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, हर उम्र के लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर कहीं ना कहीं मोदी मोदी के नारे जो है वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज जो है वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी है, और छत्तीसगढ़ के लोग भी उन्हें कितना पसंद करते हैं। सरकारी कार्यक्रम जो है ये तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि सभी लोग खड़े हो गए हैं, और मोदी मोदी के जो नारे हैं वो भी अब तेज होते हुए, बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तभी इन लोगों के जो आवाज है और जो उत्साह है लोगों का वो ज्यादा डबल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कार्यक्रम स्थल पहुंच चुके हैं, बस केवल उनको सभा में पहुंचने की देरी है। एक तस्वीर दिखा देता हूं, एक ये जो मंच बना है, जो विजय संकल्प महारैली है, उसके ठीक बाजू में एक और टेंट लगाया गया है। यहाँ पर लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्यक्रम रखे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भूमि पूजन लोकार्पण जो है वो शुरू किया गया है, और उसके बाद अब कुछ ही देर में इस जो विजय संकल्प महारैली का जो मंच है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। अब इसी कार्यक्रम में थोड़ी सी तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ कि ये जो बीजेपी से जुड़ी हुई जो महिला कार्यकर्ता है, महिला नेता है, वो किस तरीके से यहाँ पर छत्तीसगढ़ी पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर पहुंची हुई है, सेल्फी लेते हुए नजर आ रही है, और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान इस पल को यादगार बनाने की कोशिश में है कि वो ये बड़ा आयोजन हुआ था, और इस बड़े आयोजन के माध्यम से कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने यहाँ पर पहुंचे हुए थे। बिल्कुल अंकुश, तस्वीरें तो हम लगातार आपके माध्यम से देख भी रहे हैं, सभी लोग वहाँ पर जुटे हुए हैं।